जब पहले भी ये जनवरी के महीने में ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तब भी भारी विरोध जो है वो पूरे देश के अंदर हुआ। हमने भी विरोध प्रदर्शन किया, कई चीजें जो है वो हमारे धर्म के खिलाफ थी। उसके बाद इस फिल्म को 6 महीने देरी से जो है वो रिलीज किया गया। हमें आशा थी कि इस फिल्म के अंदर कोई भी ऐसी चीज प्रदर्शित नहीं की जाएगी जो हिंदू आस्था के ऊपर प्रहार करती होगी, लेकिन इस फिल्म को प्रदर्शित होने के बाद समाज के अंदर एक भारी रोष है। जिस प्रकार से करेक्टर दिखाए गए हैं कहीं भी रामायण के अंदर से ये मैच नहीं करते। एक रामानंद सागर जी ने जो रामायण जो हमें दिखाई वो एक दिशा निर्देश दिखाती है, राम के चरित्र को दिखाती है, माता सीता के चरित्र को दिखाती है। इसके अंदर क्या मतलब शिक्षा देने का काम जो है वो निर्माता निर्देशक के द्वारा किया गया है। पैसा कमाने के लिए फिल्म बनाई गई है और हिंदू समाज के ऊपर उनकी आस्था के ऊपर प्रहार करने का काम किया गया है। क्यों हमारे धर्म के ऊपर कोई भी फिल्म बनाएगा और हम सहन करेंगे? आज पूरे देश के अंदर बाइकॉट आदि पुरुष का जो है वो ट्रेंड चल पड़ा है, वही इसको बर्दाश्त नहीं। जिसने रामानंद सागर की रामायण देखी है वो कतई भी ऐसी फिल्म को जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इस फिल्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग केंद्र सरकार से है कि इस फिल्म को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए, यह फिल्म नहीं दिखाई जानी चाहिए। अगर इस फिल्म को छोटे बच्चे देखेंगे तो उनके जहन के अंदर क्या आएगा, रामायण का क्या स्वरूप उनके दिमाग के अंदर बैठेगा, ये चीजें सोचने वाली है।